सेल्फ मयंक शेखर मिश्रा वेलकम टू स्वास्थिका एकेडमी टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी लेट्स सी व्हाट इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल द सेंट्रल पॉइंट इज द पीपल अब ये किसके अपोजिट है तो देखते हैं कि मोनार्की जब होता है तो सेंट्रल पॉइंट वन पर्सन के पास होता है यानी पूरा का पूरा जो पावर है वो एक आदमी के पास होगा जो किंग होगा या डिक्टेटरशिप भी होगा तो एक आदमी के ही चारों तरफ पावर मूव करेगा लेकिन जब पावर मूव करे पीपल के सराउंडिंग तो वो बन जाएगा डेमोक्रेसी तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं अब इसके क्या क्या फीचर है तो उस फीचर को देखते हैं तो फर्स्ट फीचर इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल यहां पर कोर पॉइंट कौन हो गया इंडिविजुअल हो गया पीपल हो गया उसको फ्रीडम दिया गया अगर हम बात करें मोनार्की की बात करें तो फ्रीडम वहां भी है लेकिन फ्रीडम किसके हाथ में है तो एक आदमी के हाथ में है वन पर्सन रूल है ठीक वैसे ही बात करें अगर हम डिक्टेटरशिप की तो वहां पर भी वन पर्सन रूल है और सारी की सारी फ्रीडम जो है वो एक आदमी के हाथ में है वहां पीपल के पास फ्रीडम नहीं है जनता के पास किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं है लोग बोल नहीं सकते थे जब डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा हुआ करता था किंग जो है वो ट्रैनी हो गई थी वहां पर निरंकुशता आ गई थी किंग के शासन में तब लोगों ने फैसला किया कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोगों को फ्रीडम दे सकते हैं इंडिविजुअल को फ्रीडम दे सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है यानी डेमोक्रेसी का सबसे कोर पॉइंट है फ्रीडम यानी सभी को स्वतंत्रता देना सेकेंड पॉइंट पे बात करें तो अगर हम फ्रीडम की बात करें तो पोलिटिकल फ्रीडम जो है वही हमारी लिबर्टी कहलाती है या ऑटोनॉमी कहलाती है इस ऑटोनॉमी को समझना है हमको तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना या जो भी लॉ बना जो भी रूल बना वो किसी और ने नहीं बनाया बल्कि पीपल ने ही बनाया जैसे कि अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम अपने पियम्बल में भी देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को किसने फ्रेम किया तो भारत के लोगों ने ही किया वी द पीपल ऑफ इंडिया और लास्ट का पियम्बल की जो लाइन है वो कहती है एडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी हमने और एडॉप्ट भी हम ही कर रहे हैं इनैक्ट भी हम ही कर रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ऊपर हम आत्मार्पित कर रहे हैं गिव टू आवर यानी जो ऑटोनॉमी होती है जो लिबर्टी होती है जो फ्रीडम होता है उसमें पीपल ही तय करेगा कि शासन कैसे चलेगा यानी कि लॉ क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा वो किसके द्वारा तय होगा तो पीपल के द्वारा तय होगा जब डिक्टेटरशिप होती है या फिर होती है तो वहां पर कहा जाता है कि मेरा वचन ही है शासन लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर वचन शासन नहीं है यहां पर पीपल ऑफ इंडिया ने तय किया कि, कि Constitution क्या होगा That's why का कहता कहता है, है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और हम इसको एडॉप्ट कर रहे हैं हम इसको इनैक्ट कर रहे हैं और अपने को गिव टू अवर सेल्फ अपने को आत्मार्पित कर रहे हैं यह बेसिक कंसेप्ट है अब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन वहां का रूल्स वहां का लॉ किसके द्वारा तय होगा तो पीपल के द्वारा तय होता है अब आगे बढ़ते हैं 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 हम लोग तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो डेमोक्रेसी में होती हैं तो फर्स्ट थिंग इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नाइनटीन वन ए के रूप में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच कहीं पर भी अगर डिक्टेटरशिप होती है या टिरे रैनी होती है तो सबसे पहले इंडिविजुअल के स्पीच को रोका जाता है यानी कोई भी बोल नहीं सकता लेकिन जब डेमोक्रेसी आती है तो लोगों को बोलने का अधिकार दिया जाता है यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दिया जाता है फैज अहमद फैज की एक कविता है कि बोल लव आज़ाद है तेरे बोल जुबा अब तक तेरी है यानी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है एक्सप्रेशन एंड स्पीच का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ए में दिया गया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को इंडिविजुअल को बोलने का अधिकार दिया जाए सेकेंड थिंग्स को अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कोई भी डिक्टेटरशिप या मोनार्की या टिरैनी होती है तो सबसे पहले प्रेस पर सेंसरशिप लगाती है यानी प्रेस को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है बट एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वहां पर प्रेस को भी अधिकार दिया जाएगा कि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म कर सके इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने कहा था खींचो न कमानों को न तलवार निकालो जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो दिस इज द पावर ऑफ प्रेस और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब पीपल का शासन होता है तो वहां प्रेस भी फ्री होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नाइनटीन वन ए में प्रेस को फ्री रखा गया है जस्ट लाइक इंडिविजुअल फ्रीडम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम डेमोक्रेसी के नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो देखते हैं कि राइट्स मिलते हैं अधिकार मिलते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंडिविजुअल को राइट्स दिया जाता है और ये राइट्स होता क्या है तो इट्स रीजनेबल क्लेम्स विथ रीजनेबल यानी एक रीजनेबल क्लेम है एक रीजनेबल मांग है और प्लस साथ में क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी हैं अधिकार दिया जाएगा राइट्स दिया जाएगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी मांग लोगे कुछ भी डिमांड कर लोगे कुछ भी क्लेम कर लोगे उसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है तो इस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ ही हमारे राइट्स बनते हैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिविजुअल को राइट दिया जाता है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्यों है तो यहां पर देखेंगे हम कि एक हार्म थ्योरी है जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी उनकी बुक ऑन द लिबर्टी में जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या कहना था कि द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल शुड ओनली बी लिमिटेड टू प्रिवेंट हार्म टू अदर इंडिविजुअल यानी आपका जो एक्शन है वो आपके लिए फ्री है आप फ्री हो अपने एक्शन को करने के लिए लेकिन तब तक फ्री हो जब तक कि आपका एक्शन किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाए यानी लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए फ्रीडम सबको मिलना चाहिए लेकिन इस फ्रीडम का आप प्रयोग करो आप अपने अच्छे के लिए प्रयोग करो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए न करो इसको कहते हैं हम लोग द हार्म प्रिंसिपल और यह दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने तो डेमोक्रेसी में आपको राइट्स मिला है बट राइट्स राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इट हैज समीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आगे हम बढ़ते हैं देखते हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ और क्या हमको मिला है तो हमको इक्वालिटी मिली है और जो इक्वालिटी है वो कवर होती है, हमारे के 14 18 से. कैसे मिली हुई है तो दो तरह की equality, दो तरह से हम इक्वालिटी को क्रिएट कर सकते हैं पहला है कि निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे फर्स्ट थिंग इज देयर शुड नॉट बी एनी निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि किसी को कास्ट के आधार पे किसी को रिलीजन के हिसाब से किसी को सेक्स के आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे यानी नेगेटिव डिस्क्रिमिशंस को रोका जाएगा एंड सेकेंड थिंग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को किया जाएगा इसका मतलब क्या होता है कि अगर समाज में कोई उस पोजीशन पे नहीं आ पाया है जिस पोजीशन पे उसको होना चाहिए तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करके उसको उस लेवल तक लाने का प्रयास करेगा यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि कोई जैसे हम इस एग्जाम्पल से समझें कि एक ब्रेंच पे कोई बैठा हुआ है और कोई जमीन पर बैठा हुआ है तो हम इक्वालिटी तभी क्रिएट कर पाएंगे जब जमीन पर बैठा हुआ है उसको हम ब्रेंच पर बैठा दें और इसी वजह से रिजर्वेशन वर्ड आता है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं बट निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते यानी कि क्वालिटी को अगर हमको क्रिएट करना है तो देयर शुड बी ओनली पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नॉट निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन तो ये डेमोक्रेसी की बहुत खास बात होती है कि सभी को इक्वालिटी दी जाती है किसी भी तरह से जेंडर के आधार पे रिलीजन के आधार पे कास्ट के आधार पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है प्लस साथ साथ इंडिया में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस को भी लिया गया है जैसे कि आर्टिकल फोर्टीन कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देगा किसी को निगेटिव डिस्क्रिमिशन के तहत किसी को किसी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी उसके साथ साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होगा यानी कि अगर कोई उस अवस्था या उस स्टेज पर नहीं है कि वो इक्वल हो सके तो सबसे पहले उसको इक्वल किया जाएगा यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को लेकर के दोनों तरह की चीजें दी गई हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड द बेसिक कंसेप्ट इज द ऑल आर इक्वल्स एमंग्स द आइज ऑफ लॉ कानून की आंख के सामने सभी लोग इक्वल हैं तो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम समझ चुके हैं नेक्स्ट हम देखते हैं जस्टिस तो डेमोक्रेसी में जस्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक आधार पे या सोशल सिस्टम के आधार पे जो भी डिस्क्रिमेशन है वो नहीं होने दिया जाएगा जैसे कास्ट सिस्टम तो सोशल जस्टिस क्रिएट करना यानी सभी को इक्वालिटी के लेवल पे लाना सभी को सोशल के लेवल सोसाइटी के लेवल पे इक्वालिटी पे लाना इज द सोशल जस्टिस एंड ये आर्टिकल 38 में है कि सभी को इक्वालिटी के लेवल पे लाया जाएगा किसी के साथ इक्वालिटी के लेवल पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा समाज के हर एक क्लास का अपना इंपॉर्टेंस है हर एक क्लास अपना इंपॉर्टेंस देता है स्टेट के काम के लिए तो सभी इक्वल हैं और सभी के साथ सोशल जस्टिस होगा प्लस साथ साथ इकोनॉमिकल जस्टिस भी है दिस इज द सोशलिस्ट थ्योरी कि किसी कोई एक धनी है और एक कोई गरीब है रिच और पुअर का ये जो गैप है इतना ज्यादा गैप नहीं होने देगा यानी सभी को इकोनॉमिकल लेवल पे इक्वल क्रिएट करना और ये है आर्टिकल 39 एंड इसके साथ-साथ पॉलिटिकल जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो आर्टिकल 325.326 में है कि किसी को भी जेंडर के हिसाब से रेस के हिसाब से कास्ट के हिसाब से किसी को भी वोट देने से मना नहीं किया जाएगा इसको हम कह सकते हैं कि सभी के वोट इंपॉर्टेंट हैं और यूनिवर्सल सफरेज वन वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू अगर कोई एक वोट देता है तो उसको एक वोट का एक वैल्यू उसको दिया जाएगा चाहे वो कोई बड़ा आदमी डाले चाहे छोट, चाहे छोटा आदमी डाले चाहे पुरुष डाले चाहे स्त्री डाले मेल या फीमेल कोई भी हो सबके वोट का वैल्यू एक ही होगा वन वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन डेमोक्रेसी को समझेंगे तब तक के लिए बने रहिए स्वास्थ्य एकेडमी के साथ धन्यवाद